हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं BMT स्ट्रॉन्ग बिलोंग्स। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी गाड़ी का जो कूलेंट है उसे चेंज करने वाले हैं BMT प्लस का। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो उससे पहले मैं कर लेता हूँ गाड़ी के बोनेट को ओपन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गाड़ी के बोनेट को ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो इंजन की हालत वो कैसी हो चुकी है। और दोस्तों बता दूं कि यह गाड़ी BS3 है जो कि 2014 मॉडल है। तो इसके हमें जो है कैप नीचे से खोल लेना है। तो जैसे कि आपको ये वाइट कलर का कैप जो दिख रहा है हमें इसको खोल लेना है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ टूल की मदद से। तो मैंने ये कैप को ओपन कर लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कूलेंट यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। तो कूलेंट की जो कंडीशन है उसे देखने के लिए हमें अपने जो गाड़ी के नीचे एक टब लेना है, जो कि मैंने टब को ले लिया है। और इससे होगा क्या कि जो हमारा जो कूलेंट है उसकी कंडीशन का पता चल जाएगा कि हमारा जो कूलेंट था किस कंडीशन में था। तो चलिए कूलेंट को निकलने देते हैं। इसमें पानी डाल रहा हूँ तो जो वेटर है काफ़ी हद तक मेरे नज़र में साफ हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पानी जो है काफ़ी साफ सुथरा आ रहा है, जैसे कि ये तसले में पानी फुल हो चुका है। तो ये रेटर मेरी साफ हो चुका है। तो हम इसमें कास्ट्रोल का रेडिक्यूल हैवी ड्यूटी यूज़ करने वाले हैं, जिसकी क्वांटिटी 3 लीटर है। और इसमें हम 3-4 लीटर पानी मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो नीचे वाला कैप रहता है वाइट कलर का उसको टाइट कर लेते हैं ठीक से। तो हमने इसको टाइट कर लिया है और हम इसे टूल की मदद से फुल टाइट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये कास्ट्रोल की ओरिजिनल पहचान है कि कास्ट्रोल के ऊपर गुदा हुआ रहता है। तो पहले हमें कम से कम 0.5 लीटर जो कूलेंट है वो अपने टैंक में कर लेना है। उसके बाद हमको सारा कूलेंट रेटर के अंदर डाल लेना है और भाई इसको स्लोली स्लोली डालना। जैसे कि देखा आपने ये कूलेंट निकल लिया था तो इसके अंदर कैप बन जाता, तो स्लोली स्लोली हमको डालना है इसके अंदर। और हमको इसके अंदर जो है कोई पानी नल का या वैसा पानी नहीं डालना, मिनरल वाटर डालना है या बैटरी वाटर डालना है या आरओ को पानी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने रेडिएटर में सारा पानी फिलअप कर लिया है और उसका कैप जो था वही ब्रश से धो के लगा दिया। तो ये कुछ आप पुराने कूलेंट की कंडीशन देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ग्रीन होती है और ये जो है येलो हो चुकी है और इसके अंदर काफ़ी जंक भी लग चुकी है। आप टब पे देख सकते हैं वो काली क्रॉच आ गई है, वैसे वाइट कलर का है टब, ये इसके अंदर कचरा निकला है। तो